हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि की रेसिपी। और आज मैं लेके आई हूँ चना दाल पकौड़ा। अक्सर हम बेसन के पकौड़े खाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी चने की दाल से पकौड़ा। इसके लिए मैंने दाल को 3-4 घंटे भिगो लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये मिक्सी जार लिया हुआ है मैंने, इसमें 2 चिली डालेंगे और 1/2 ओनियन डालेंगे और जो मैंने भिगो के रखी हुई थी दाल उसको ऐड करेंगे। तो 1 बाउल के करीब ये दाल है और ये थोड़े से दाने में बचा के रखी हुई हूँ क्योंकि इसको बाद में मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच जिंजर लिया है। सॉल्ट को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून भुना जीरा लेंगे। 2 गार्लिक के पीस यूज़ करे हुए हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप वाटर ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा पेस्ट एकदम रेडी है। पेस्ट को बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे। इस पेस्ट को हम 1 बाउल में निकाल लेंगे। और जो चने के दाने हमने बचा के रखे हुए थे उसको हम इसमें डाल देंगे, जिससे हमारा पकौड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। इसको ढंग से मिलाएंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है और इसमें हम स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पकौड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरी न्यू रेसिपीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।